सब्सक्राइब कीजिए टेक चाहत को, बेल आइकन दबाइए टेक की बातें जानने को। मिले हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। खैर आपने टीजर देख के तो पता लगा ही लिया होगा कि किस बारे में है आज की वीडियो, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे पास Realme 6 आई। तो दोस्तों देखेंगे इसमें इसका प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी इसमें अच्छी लुक एंड डिजाइन है, क्या क्या इसमें फीचर हमें देखने को मिलते हैं, देखेंगे इसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं टेक चाहत, आइए करें टेक से प्यार। तो दोस्तों हमारे सामने ये रहा Realme 6 आई का बॉक्स और आपको पता है एज़ यूज़ुअल येलो कलर का बॉक्स है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वेलकम टू Realme फैमिली, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और एक टीपीयू केस ग्रे कलर का हमें देखने को मिलता है। एंड वी हैव 20 वाट वूक चार्जर और साथ में USB टाइप सी की केबल हमें देखने को मिलती है, और साथ में एक तो पिन इजेक्टर टूल भी देखने को मिलती है। उसी के साथ हमें यहाँ पे अपना Realme 6 iPhone भी देखने को मिलता है। तो एक बात आप लोग याद रखिए, ये जो फोन है वो लाइटर वर्जन है Realme 6 का। सिर्फ एक दो चीजें ही दोनों में, 90% सब कुछ में सिर्फ एक दो चीजें ही दोनों में डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो पूरा आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों अब लुक एंड डिजाइन की, तो हमें पीछे के साइड एकदम ब्लैक प्लेन देखने को मिलता है, हल्की सी उसमें Realme की तरफ से हमें हल्की सी उसमें डिजाइन देखने को मिलती है, लेकिन बाकी भी जितने भी Realme के फोन आते थे उसमें ज्यादा हमें डिजाइन देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें स्लाइटली गुड हमें डिजाइन देखने को मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं गाइस, इसके जो बैक साइड है फोन का उसमें कोई ग्लास नहीं है, उसमें प्लास्टिक से ही किया गया है। अगर दोस्तों मैं इन हैंड फील की बात करूं तो गाइस ये आपके हाथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आपके हाथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, भले ही चाहे आपके हाथ थोड़े छोटे क्यों नहीं हो तो भी ये आपके हाथ में एकदम फिट बैठता है। तो अगर हम अब बात कर ले इसके वेट के बारे में, तो इसका वेट है 193 ग्राम्स ओनली, ज्यादा वेट इसका नहीं है, बहुत ही लाइट वेट लगता है हमको अपने हाथ में। और जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही जबरदस्त है, आपको लगता ही नहीं है कि ये 193 ग्राम्स का फोन है। फील गुड इन हैंड एंड स्टडी इन हैंड। दोस्तों थोड़ी सी मैं ड्रॉप टेस्ट की बात कर लूं कि बाय चांस अगर आप अपने पॉकेट से फोन निकाल रहा है, अगर वो बाय चांस गिर गया या फ्रंट साइड से या बैक साइड से, लेकिन टीपीयू केस के साथ तो उसको ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होने वाला है, यहां तक कि ना स्क्रीन में क्रैक आएंगे ना बैक साइड, तो खैर प्लास्टिक है तो वहां का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन स्क्रीन में भी कुछ डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बात कर लेते इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में, तो नीचे साइड हमें देखने को मिलता है 3.5 mm जैक और USB टाइप सी का फोन और स्पीकर गेल, और साथ ही में एक माइक्रोफोन भी हमें देखने को मिलता है। तो राइट हैंड साइड में हमको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को देखने को मिलता है, जो हमारी पावर ऑन एंड ऑफ बटन भी है। इस तरफ हमको माइक कैंसलिंग नॉइज वाला माइक देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो वहां पे सिम ट्रे मिलती है देखने को, एंड वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं अप एंड डाउन। तो जो हमें सिम ट्रे देखने को मिलती है वो डेडिकेटेड ट्रिपल सिम कार्ड सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि HD कार्ड सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों आपको हमारी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट लुक अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट
जरूर करिएगा, आपको पता ही आधे से एक घंटे के अंदर क्या होता है। मेरी तरफ से हार्ट्स एंड रिप्लाई सबको मिलते हैं जो आधे से एक घंटे के अंदर कमेंट करता है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है कोई बात नहीं, लाइक मत कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख। तक हमको दोस्तों रियलमी के फोन में बैंड ऐप भी देखने को मिलते थे, जैसे कि रियलमी C11 था उसमें हमें देखने को मिलते थे बैंड ऐप, लेकिन इस फोन में रियलमी ने सब निकाल दिया। जो हेलो, टिकटॉक वगैरह ये सब ऐप थे, ये सब अपने रियलमी ने निकाल दिया है फोन में से। दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम रियलमी। नहीं, दोस्तों साथ में रियलमी का जो क्लीन मास्टर या सिक्योरिटी ऐप होता है उनने भी उसमें दो ऑप्शन दे दिए, यानी कि क्लीन मास्टर अब नहीं रहेगा उसमें। ने दो ऑप्शन दिए, AVG या 360। आप डिसाइड कर पाओगी कि आपको काहे के ये क्लीनिंग के लिए चाहिए, AVI चाहिए या 360 चाहिए, वो आप कस्टमाइज खुद कर पाओगे। और दोस्तों साथ ही में इसके साथ कुछ प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं, लेकिन वो ब्रांड ऐप में से नहीं है, वो अलग ऐप है, वो भी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। दोस्तों अब क्विकली बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो ये डिस्प्ले आता है 5.6.5 फुल HD+ डिस्प्ले IPS विथ 90 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 6.5 इंच की स्क्रीन होती है, लेकिन एकदम पतले से बेजल हमें देखने को मिलते हैं, और जो उसका चिन्ह है नीचे साइड का वो भी एवरेज साइज का हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मैं 90 Hz के बारे में बता दूं कि ये इंटेलिजेंटली अपने आप को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। आप जब गेमिंग वगैरह खेल रहे हो तो आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत है तो ये अपने आप स्विच कर लेता है 90 Hz में। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल काम कर रहे हो, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चला रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक 60 Hz में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। और दोस्तों आप इसमें आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको 90 Hz ही में चलाना है पूरा फोन कि 60 Hz में चलाना है। मैं इसके OS के बारे में बात करूं तो रियलमी UI आता है जो बेस्ड है Android 10 पे। चलिए दोस्तों के लिए बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो रियलमी 6 में आता है वही स्पेसिफिकेशन इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी हमको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, Helio G90T प्रोसेसर। इट इज बेस्ड ऑन गेमर। इसमें दो वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, 4GB+ 46GB और साथ में 6GB+ 128GB। दोस्तों मैं बैटरी की बात करूं तो इसमें 4300 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है, और साथ में इसमें 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी हमें इसके साथ में देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले किया कहा था कि Realme 6 एंड Realme 6i दोनों सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं आता, दोनों की बैटरी सेम है। बस अंतर यह है कि जो Realme 6 है उसका 30 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और ये 20 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और जो जो Realme 6 है वो आता है 64 MP प्राइमरी कैमरा के साथ, और ये आता है 48 MP कैमरा के साथ Realme 6i। तो अब बात कर लेते हैं सेंसर के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी सारे प्रकार के सेंसर आते हैं, फेस अनलॉक भी आता है, और साइड साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, जो हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, वो भी फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत तेज हमें देखने को मिलता है, और जो फेस अनलॉक है वो भी हमें बहुत ही ज्यादा तेज देखने को मिलता है इसके। तो बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों L1 का सपोर्ट है, यानी कि Y1N1 साथ में R2 ABI का सपोर्ट है, और स्टार वैल्यू हमने चेक की तो वो भी विद इन लिमिट्स है इसकी स्टार वैल्यू। फीचर्स के मामले में दोस्तों सभी फीचर हमें इसको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों क्विकली बात कर लेते हैं अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तो मुझे खैर इसकी प्राइस नहीं पता कि कितने में आएगा ये फोन। अगर इसका बेस वेरिएंट 13,000 रुपए तक का आया तो ये बेस्ट फोन होगा अभी तक गेमिंग के मामले में, कि आप बजट रेंज में एक बढ़िया गेमिंग फोन ये वाला ले सकते हो अगर 13 से 14 हजार के बीच में आया इसका बेस वेरिएंट। तो क्यों इसमें इतना अच्छा, यानी कि प्रोसेसर फीचर देखने को मिलता है या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था G90T हमें देखने को मिलता है, इसमें LPDDR4X रैम भी हमें देखने को मिलती है। तो स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं तो USF 2.1 स्टोरेज टाइप हमें इसके साथ में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात कर ले इसके अंतुतु स्कोर के बारे में तो 285,000 के ऊपर इसका स्कोर आता है अंतुतु।
मैं बात करूं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो बेस्ट गेम प्रोसेसर रहेगा या फोन रहेगा ये अंडर 15,000 रुपीज। क्यों दोस्तों, क्योंकि पबजी मोबाइल आप हायर सेटिंग एसडीआर में खेल पाओगे, बॉडी वगैरह भी वेरी हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स में भी खेल पाओगे। तो जितना भी इसको टेस्ट किया उसमें हमें तो कोई भी गेम के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला। जितनी भी देर हम, याद रखना दोस्तों ये फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट लुक है। तो दोस्तों और साथ ही में इसमें हमें एक इश्यू देखने को मिलता है, जो G90T का प्रोसेसर, हीटिंग की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आपके गेमिंग ज़्यादा देर तक चलती है, 45 मिनट्स या थोड़ा और ऊपर चलती है, 1 से 2 घंटे, तो हमें थोड़ा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब देखते हैं ये फोन में भी वही प्रॉब्लम फेस होती है कि नहीं होती। चलिए दोस्तों अब क्विकली बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, Realme 6 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 6i में हमें 84 मेगापिक्सल का साथ कैमरा। में हमको जो दूसरा सेंसर देखने को मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, FOV का 190 डिग्री के बारे में। और जो हमारा तीसरा सेंसर देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। और जो हमारा फोर्थ कैमरा या लेंस देखने को मिलता है वो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस हमें देखने को मिलता है। आगे की तरफ दोस्तों हमें 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। इसकी बात करूं फोटो के बारे में, तो नॉर्मली लाइटिंग कंडीशन में इसके फोटो अच्छे आते हैं, डायनेमिक भी अच्छी, इसकी फोटो कंडीशन भी अच्छी आती तो है। हमने दोनों फोन के कैमरे को कंपेयर किया है कि जो Realme 6 है और Realme 6i, दोनों के कैमरे को हमने वो किया है और कंपेयर किया है, और साथ में हमने दोनों की फोटो देखी, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस हमें इसके साथ में देखने को नहीं मिलता। नहीं दोस्तों अब मुझे ये फोन कैसा लगा, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी है कि जो बैंड ऐप थे उनने रियलमी ने तुरंत एक्शन लिया और वो सारी बैंड ऐप हटा दी अपने फोन में से। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो सीरियसली गाइस हाईलाइट है इसका परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है। अगर ये फोन अंडर 13,000 आया या 13,000 में भी आया, तो दोस्तों अंडर 13,000 के अंदर ये बेस्ट गेमिंग फोन रहेगा अभी तक का, जो इसका प्रोसेसर है और जो इसकी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों ये रहे आज का हमारा एक और Realme 6i के बारे में अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट लुक। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वंदे मातरम।